हड़प्पा संस्कृति के कुछ मिसिंग लिंक्स को जोड़ने वाली आर्कियोलॉजिकल साइट है 4MSR। यह साइट राजस्थान के पाकिस्तान बॉर्डर से जुड़े बिंजौर में है। इसे 4MSR क्यों कहा जाता है कोई नहीं जानता। यह मिसिंग लिंक है क्या? अब तक सिंधु घाटी सभ्यता को हम शहरी संस्कृति के नाम से जानते हैं, लेकिन शहरी होने से पहले उसका ग्रामीण होना आवश्यक है। शहरी होने से पहले उसका औद्योगिकीकरण होना आवश्यक है। 4MSR आर्कियोलॉजिकल साइट वही लिंक है। इस साइट में कोई सिटाडेल नहीं, कोई 90 डिग्री पर जुड़ी सड़कें नहीं, सिर्फ उस समय के कारागिर किस तरह से काम करते थे उसके सबूत हैं। इस हड़प्पाकालीन औद्योगिक साइट पर फर्नेसेस हैं जिसमें कॉपर और सोना पिघलाया जाता था। मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए किल्न है। फर्नेसेस की आंच से बचने के लिए दूर बैठकर उसमें हवा फूंकने की तकनीक है। यहाँ पर जो फर्नेसेस और किल्न्स मिले हैं वह अलग अलग आकार की हैं। एनविल या निहाई कर्ण जिस पर निहाई की जाती है वह मिला है। इस पर ठोक कर धातुओं को आकार दिया जाता होगा। रहने के लिए कुछ सुविधाएं हैं। यहाँ क्या क्या मिला है? यहाँ ग्रेवियर पॉटरी मिली है, एक घड़ा है जिसके ढक्कन पर एक नॉब है, घड़े पर ग्रे कलर्ड खूबसूरत डिजाइन बने हैं। यहाँ यूनिकॉर्न सील मिली है जिस पर हड़प्पाकालीन स्क्रिप्ट है। मनके और मोती मिले हैं। मिट्टी के बने दो बैल हैं। परफोरेटेड पॉटरी मिली है। लेखनी मिली है जिसके एक सिरे पर सोने का पत्थर जड़ा है। यह लेखनी कॉपर की है। गोलाकार या त्रिकोणी पट्टे मिले हैं जो कि शायद भट्टी को गर्म रखने के लिए यूज किए जाते थे। एक ऐसी सील मिली है जो लगती तो सील है लेकिन उसके ऊपर धागा पिरोने के लिए छेद है। यह शायद तावीज या पेंडेंट की तरह यूज की जाती होगी। इसके दोनों तरफ एंग्रेविंग है। एक तरफ मेंढक और हिरण है और दूसरी तरफ बकरी, नेवला और कुत्ता खुदे हैं। कारीगरी की एक मिसाल है ये सील। तो दोस्तों, बिंजौर की ये साइट हड़प्पा संस्कृति का ग्रामीण से शहरी बनने का सफर दर्शाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।